हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जल्दी से प्रेस कर दें, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने नीड्स को एनलाइटन कर सकते हो और कैसे उसके कलर को अपने स्किन कलर के साथ बना सकते हो। हमारी बॉडी को मूव करने के लिए हमारी एल्बोज और नीज की स्किन बहुत लूज होती है, जो कि हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है और हैंड्स और लेग्स को मूव कराने में हेल्प करती है। और जब भी हमारी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन पे होती है तो वो एरिया हमारा डार्क लगने लगता है एज कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। आज मैं आपके साथ एक स्क्रब शेयर करूंगी जिसकी वजह से आपकी नीज साफ हो जाएंगी और निखर जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर स्क्रब। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 3 चम्मच मलका की दाल, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो 1 चम्मच नमक भी यूज कर सकते हैं। 2 चम्मच टमाटर का जूस। टमाटर का रस बनाने के लिए आप टमाटर को लेकर कद्दूकस में क्रश कर लें, और इसके बाद आपने लेना है 1 चम्मच ऑरेंज जेस्ट। इसको बनाने के लिए आप ऑरेंज को लेंगे और उसको भी कद्दूकस से क्रश कर लेंगे। अब इन सब चीजों को मिक्स करें, ये एक स्क्रब की फॉर्म में आ जाएगा। सबसे पहले आपने अपने नीज को स्टीम दें। स्टीम देने के लिए हमें चाहिए 1 गर्म पानी में भीगा हुआ टॉवल को अपने नीज पर रखें 5 मिनट्स तक, ताकि स्टीम से आपके नीज के पोर्स ओपन हो जाएं। इसके बाद आपने क्या करना है, जो मिक्सचर हमने बनाया है अब उसको आपने अप्लाई करना है अपने नीज पे और मसाज करना है 5 मिनट्स तक। अगर आप सर्कुलर मोशन में स्क्रब करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। टमाटर में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी स्किन की पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। ऑरेंज के छिलके में ऑरेंज ऑयल होता है जो कि आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है और हमारी स्किन को फ्रेश, स्मूथ और यंगर बनाता है। मलका की दाल में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन को न्यूट्रंस प्रोवाइड करता है। ये दाल बहुत अच्छी है, हमारी स्किन से डेड स्किन को रिमूव भी करती है और ये हमारी स्किन में फेयरनेस एंड ग्लो भी लेकर आती है, और साथ हमारी स्किन का कलर भी लाइट करती है। बेकिंग सोडा का मतलब है सोडियम बायोकार्बोनेट। ये एक अल्कलाइन सब्सटेंस है जो कि नेचुरल होता है। इसमें एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट करती हैं। अब स्क्रब करने के बाद आपने नीज और एल्बोज को पानी से वॉश कर लेना है। याद रखें, नॉर्मल पानी से ही वॉश करना है। अब हम इसके बाद एक पैक बनाएंगे। हमें चाहिए 2 चम्मच कॉफी, 2 टीस्पून हनी, 1 टीस्पून लेमन जूस। अब आपने इन सब चीजों को मिक्स कर लेना है और अपने नीज पे अप्लाई कर देना है, छोड़ देना है। कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कोलेजन को इम्प्रूव करता है और हमारी स्किन को यंगर बनाता है। जब हम इसको लगाते हैं तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट हो जाती है और निखर जाती है। हनी हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है। लेमन में विटामिन सी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे डार्क कलर को लाइट करती है। 10 मिनट्स के बाद आपको इसको वॉश कर लेना है। आप इस रेमेडी को वीक में 3 दफा भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में ही आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिल जाएगा। मजीद रेमेडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें।